हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ये सब में ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो, हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी का क्या नाम था? रेवा, रुक्मणी, मंदोदरी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेवा। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? एस्केरिस, केचुआ, हाइड्रा, फैसियोला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रा। एक कोशीय परजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपना पूरा जीवन काल एक ही आश्रय पर, क्योंकि इनके नेम से ही डिस्क्राइब होता है एक कोशीय, तो ये एक ही प्रकार के आश्रय पर अपना जीवन गुजार देते हैं। हाइड्रा की कुछ प्रजाति शैवालों के साथ साझा जीवन व्यतीत करती हैं, ये शैवालों की रक्षा करती हैं और बदले में शैवाल इन्हें भोजन प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षण निष्क्रिय डैश का प्रयोग करके प्रतिरक्षणों को बनाने की एक परिधला है रसायनों, रुधिर, प्रतिजनों, प्रतिरक्षों। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरक्षों। प्रतिरक्षण मींस इम्यूनाइजेशन, निष्क्रिय यानी जो इनएक्टिव होते हैं, प्रतिरक्षियों का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? प्राकृतिक गैस वन, कोयला, खनिज तेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन, यानी वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राकृतिक और जैविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय साधन संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियां बनी हैं आग्नेय और कायंत्रित शैलों से, अवसादी शैलों से, अवसादी कायंत्रित शैलों से, आग्नेय और अवसादी शैलों से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आग्नेय और कायंत्रित शैलों से, यानी भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक का जो उत्तरी भाग है यानी नॉर्थ एरिया है, वो केंद्रीय उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाइलैंड्स कहलाता है। यह ठोस आग्नेय और कायंत्रित शैलों का होता है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के बीच मुख्य अंतर है? पूंजी उपभोग, छूट, पूंजीगत लाभ, अंतरण भुगतान, विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध विदेशी आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी प्राप्त होता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय की गणना हेतु देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाया जाता है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच हुआ था? जनरल बैरम खान, मोहम्मद आदिल शाह के बीच, मुगल शासक अकबर और फिरोज तुगलक के बीच, अहमद शाह, अब्दाली और मराठा शासकों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह, अब्दाली और मराठा शासकों के बीच। निम्न में से किस अमल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अमल, फास्फोरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल, नाइट्रिक अमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अमल, यानी आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अमल निकलता है।
जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यानी दूसरे शब्दों में ये जो स्वच्छ भोजन पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर, स्वैम्प मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनाफ्लीज। यानी फाइलेरिया रोग एक परजीवी के कारण होता है। इस रोग का संचार रक्त चूसने वाले कीट जैसे मक्खी, मच्छर आदि से होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? मुगल अफगान, मराठा राजपूत, मराठा अफगान, मराठा मुगल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठा और अफगान। मीन्स ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन कवर किया था ये से वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें से जैसे ईयर निकाल के इसको दे दिया गया घुमा फिरा कर। नेक्स्ट है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक के उत्तर में दिनांकित चेक किसने कहा था? पटेल, गांधी जी, अम्बेडकर, इनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी। यानी क्रिप्स मिशन जो 1942 यानी 1942 में आया था का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, दांडी, पोरबंदर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च यानी ईयर और डेट जो मंथ रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 यानी 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की थी। 24 दिन पश्चात लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। हास्य गैस है, मीन्स हंसाने वाली गैस, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि यह जल सह सामग्री है, यह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो पॉलिएस्टर होता है वो बहुत कम जल अवशोषण करता है। पॉलिएस्टर कृत्रिम रेशे से बना होता है और इसकी जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इससे बने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। किस त्यौहार को लौकिक भाषा में जांटी कहा जाता है? जन्माष्टमी, निर्जला व्यास, लोहड़ी, भड़लिया नवमी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भड़लिया नवमी। नेक्स्ट है, यदि 3 है 5, 4 है 4 एंड 5 है 4 तो 7 क्या होगा? बिल्कुल इसमें ऐसे ही रहेगा कि यदि 3, 5 आप लिख के देख लीजिए, अगर 3, 5 है, 4, 4 है, 5, 5 जो है वो 4 है, तो 7 क्या होगा? तो 7 क्या होगा? 4, 5, 7 या 3 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि 7 भी 5 होगा, क्योंकि 7 में 5 अक्षर आते हैं, क्योंकि इसमें अक्षर दे रखे हैं। जैसे 3 हैं तो इसमें 5 वर्ड्स हैं, 4 हैं तो इसमें 4 ही वर्ड होते हैं, 5, 5 में भी 4 वर्ड होते हैं और 7 में 5। सो ये अक्षर जो काउंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, श्रृंखला कंप्लीट करनी है, मीन्स गलत देखना है इसमें से। 2, 5, 10, 17,
26, 37, 50 तो और 64 लास्टली। सो इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, जैसे या तो इसमें मेनली माइनस का होता है या फिर प्लस का, इसको देख लेते हैं। दो और तीन पाँच, पाँच और पाँच दस, दस और सात सत्रह, यानी दो दो का डिफरेंस सही जा रहा है। और सत्रह और यानी सत्रह में अगर हम नौ ऐड करते हैं, 26, ठीक है, फिर देन 26 और 11 37 हो जाएगा, 37 और 13 50 हो जाएगा, देन 50 वन इज लेफ्ट। 50 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये 65 हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्टली यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? तो यदि अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप इनको आरोही यानी छोटे से बड़े में कीजिए। जैसे 284 है तो आप इसको, ये हो जाएगा 2 4 8, 5 7 3 ये हो जाएगा 3 5 7, 9 6 1 सो ये हो जाएगा 169। और लास्टली क्या रहता है, 369, ये हो जाएगा 369, क्योंकि ये सेम इसी फॉर्मेट में है। सबसे छोटी जो संख्या रहेगी वो रहेगी 169, मीन्स 961। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने दो एक तीन है जो इस प्रकार उपस्थित हैं कि एक बीच में है, यानी एक जो है वो बीच में है और तो दोनों दो और तीन उसके किसी भी ओर हैं, चाहे तो इधर हो सकते हैं या फिर इधर हो सकते हैं। तो मीन्स आपने इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने क्या करना है, यानी देख लेना है। सबसे पहले एक देख लीजिए कि इसमें ऐसे कितने हैं जो देख लेते हैं। सबसे फर्स्टली तो यही है, फर्स्ट वाला 2 1 3 मीन्स किसी भी ओर हो सकता है। देन सेकंड रहेगा 2 1 3, यहाँ पर एक गायब है, 3 1 2, ठीक है ना, ये रहेगा। देन 1 2 3 और उसके बाद 3 1 2। सो यहाँ पर ऐसे जो उपस्थित रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 1 बीच में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 साइड में है तो ये नहीं रहेगा। सो इसमें जो काउंट रहेंगे 1 2 3 और 4, यानी 1 मिड में जरूर होना चाहिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4 है इसमें। नेक्स्ट है, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है, मीन्स बाईं ओर से जो गणित की जो पुस्तक है वो 8वीं है, ठीक है। देन और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति, और दाईं ओर से 13वीं, ठीक है। तो फिर इधर से यानी सेम ही बुक रहेगी, ये 13वीं है, तो टोटल बतानी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल रहता है, यानी आपको ये दोनों ऐड करनी है, देन इनमें से 1 माइनस करना है, यानी बायां और दायां आपको ऐड करके, क्योंकि एक चीज़ दो प्लेस पे तो हो नहीं सकती है, क्योंकि जो इसको ऐड करके आएगा तो उसमें से एक प्लेस माइनस करना होगा, तब सेम प्लेस निकल के आएगा। सो 20 आएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रमा, शीला और मैरी अच्छा नृत्य करती हैं, रेखा, लीना और रमा अच्छा गाती हैं, मैरी, रमा, शीला अच्छी चित्रकारी करती हैं, इनमें से कौन सभी तीनों चीज़ें अच्छा करती हैं?
सो अब इसमें देखना है कि तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आता है कि आप देख लीजिए, सबसे पहले आप नृत्य, यानी इसको न से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि पहले नृत्य है, फिर उसके बाद गाना आप ग से डिनोट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आता है चित्रकारी। ठीक है, ये चित्रकारी है। देन अब इसमें है रमा, शीला और मैरी नृत्य करती हैं, यानी ये रमा हो गई, ये शीला और ये मैरी। तो ये क्या करती हैं, तीनों नृत्य अच्छा करती हैं, यानी ये तीनों नृत्य अच्छा करती हैं। देन मैरी, रमा और शीला, नहीं, रेखा, लीना और रमा, अब ये गाती भी हैं। अब इसमें रमा आ गई, रमा गाती भी है, और देन रेखा और लीना अलग आ गई हैं, रेखा और लीना। ठीक है, ये सेकंड बॉक्स में आ जाएंगी। देन इसमें मैरी, रमा और शीला, अब मैरी, मैरी चित्रकारी, मैरी, रमा और शीला। अब तीनों में जो आई हैं वो रमा आई हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमा। अब यहाँ पर है जो ए का अर्थ है गुना, तो मींस आपने यही सेम यही करना है, जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपने ये इसके प्लेस पे रखना है। जैसे डी है, डी का अर्थ यानी 20 + 15, ए 15 × 6, और एन क्या है, माइनस है, 6 − 13 और × 4। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 + 15 = 90, −52 = 52 इज इक्वल टू 58। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वह रेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, पौधे, वैज्ञानिक और पुरुष। यानी पौधे, वैज्ञानिक और पुरुष, मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए, पौधे यानी अलग है, वैज्ञानिक और पुरुष यानी जो पुरुष है वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी इसमें पौधे अगर वैज्ञानिक पुरुष को लें और ये पौधों के अंदर आते हैं तो ये कैंसल है, देन ये पुरुष और वैज्ञानिक और पौधे इसमें अलग हैं, ये तीनों ही अलग हैं, ये रॉन्ग है। तो नाउ वी हैव लेफ्ट टू पोर्शन। सो यहाँ पर क्या इनमें डिफरेंस रहता है, इसमें तो सम वाला रिलेशन है और इसमें ऑल वाला है, क्योंकि इसमें जो पुरुष हैं यानी वैज्ञानिक हैं वो पुरुषों के अंदर ही आते हैं। तो मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि सभी पुरुष वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं, कुछ ही हो सकते हैं। सो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राम मोहन अपने ही घर से एक दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में 8 किलोमीटर चलते हैं। सो यहाँ से राम और मोहन दो पर्सन हैं, अपने घर से एक ही दिशा में चलते हैं, फिर राम अपने बाईं ओर और दाईं ओर, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा डायग्राम यानी यहाँ पर है, जैसे सपोज राम और श्याम, दिस इज मोहन, सो ये अपने घर से चलते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके बाद यानी कोई पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ से ये चले तो ये 8 किलोमीटर, तो फिर उसके बाद क्या होता है, राम अपने बाईं ओर, अब राम जो है वो इधर, यानी इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, और मोहन दाईं ओर, तो ये एम हो गया, और दोनों 5 किलोमीटर, यानी ये 5 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसके बाद दोनों ही 4 किलोमीटर पीछे लौटते हैं, तो 5 किलोमीटर इधर चल के अब ये दोबारा इधर 4 किलोमीटर आते हैं यहाँ तक। ठीक है,
सो सेम ऐसे आते हैं। तो वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। यानी अगर दोनों के जैसे टोटल जो दूरी रहती है दोनों के बीच की, वो तो 5 5 रहेगी, क्योंकि शुरू में दोनों 5 किलोमीटर चले थे और फिर उसके बाद दोनों वापस 4 4 आए। तो इसमें से क्या करना है, दोनों ऐड करके आपको ये इसमें से माइनस कर देना है। यानी ये हो जाएगी 10 माइनस 8, यानी 2 किलोमीटर। यानी बिल्कुल सीधा भी ये निकल सकता है, 1 किलोमीटर इधर बचता है और 1 किलोमीटर इधर। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम 5 मित्र हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। विप्लव अर्जुन से दाईं ओर दूसरा है, किंतु राज अमन के दाईं ओर से दूसरा है। अर्जुन अमन के तुरंत बाईं ओर बैठा है और सागर अर्जुन के तुरंत बाईं ओर है, तो बीच में कौन है? तो मीन्स यहाँ पर सबसे जो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो तुरंत बाईं ओर, ये देख लीजिए, अर्जुन अमन के तुरंत बाईं ओर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि इसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो अर्जुन है वो अमन के तुरंत बाईं ओर, तो अब अगर अमन सपोज यहाँ बैठा है, AM से डिनोट कर लेते हैं, तो अमन के तुरंत बाईं ओर अर्जुन, ठीक है। और या फिर ये कंडीशन लग सकती है क्योंकि इधर, ठीक है, AJ से डिनोट कर लेते हैं हम अर्जुन को। देन सागर अर्जुन के तुरंत बाईं ओर। अब सागर जो है वो अर्जुन के तुरंत बाएं, क्योंकि यहाँ पर तो प्लेस खत्म हो गया है। अब जो सागर है वो अर्जुन के, यानी इसको S से डिनोट कर लेते हैं। देन ये तो कंडीशन कंप्लीट है। अर्जुन से दाईं ओर दूसरा है, यानी अर्जुन से दाईं ओर 1 2 विप्लव और लेफ्ट कौन है, राज। ये राज है। बीच में कौन है, बीच में कौन बैठा है, बीच में अमन बैठा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? पाइरोमीटर द्रव का घनत्व मापना, पाइरिलियोमीटर उच्च ताप को मापना, सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, पिकनोमीटर सौर विकिरण को मापना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप मापी। इससे पृथ्वी की सतह पर आने वाली भूकंप के झटकों की तीव्रता को के ग्राफ का ये चित्रण करता है। नेक्स्ट है, किसी गैस को दबाने संपीड़ित करने पर दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब बढ़ता है, तापमान घटता है, केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। यानी गैसों को संपीड़ित करने पर उनका दाब बढ़ता है और उनके तापमान में वृद्धि होती है। दाब और ताप आपस में समानुपाती संबंध होता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? वायु में CO2, वायु में SO2, हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण, हानिकारक सौर अवरक्त विकिरण विकिरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती हैं और पृथ्वी की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, सबसे सामान्य स्तनधारी है मानव, होमोसेपियंस, तेंदुआ, हाथी, शेर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव यानी मनुष्य। निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है, डायोड, प्रतिरोधक, परिणमित्र यानी ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर।
राइट आंसर है ऑप्शन डी। यानी ट्रांजिस्टर मुख्यतः प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर और दो लित्र यानी ऑसिलिएटर की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसमें भिन्न अर्धचालकों की संधियां बनाई जा सकती हैं। वायु गर्म होती है विकिरण द्वारा, विसरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवहन द्वारा। यानी गैसों में ऊष्मा का संचारण संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया भी संवहन द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बग यानी डिफेक्ट रिमूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। पैच की, अपडेट, हेल्प। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैच। यानी पैच सॉफ्टवेयर का एक भाग है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके द्वारा समर्पित डाटा को अपडेट करने, फिक्स करने या इसमें सुधार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इसमें सुरक्षा यानी सिक्योरिटी में कमी और अन्य त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया भी शामिल है। पैचों को सामान्यतः बग फिक्सेस कहते हैं जो प्रयोजकता और निष्पादन क्षमता में सुधार करते हैं। नेक्स्ट है एक ठोस घन 27 छोटे घनों को मिलाकर बना है, तो कितने छोटे घनों के दो फलक दिखाई दे रहे हैं, 18, 14, 12 या 15। यानी इसमें ये कहा गया है कि इसमें 27 छोटे छोटे घन बने हैं, तो यानी जो घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, यानी ये बनेंगे 4 + 4 + 4, सो ये हो जाएगा 12। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। अब एक व्यक्ति है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है इधर। सो 5 किलोमीटर जाने के बाद वह 2 बार दाईं ओर समकोणीय घूमता है। अब यहाँ से वो चला, अब वो समकोणीय घूम रहा है 2 बार। सो अंत में वह किस दिशा की ओर चल रहा है? सो समकोणीय घूमने का मतलब है कि जैसे आप देख लीजिए कोण कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे, मींस जैसे कोण होता है, ये समकोण है तो ये अपोजिट करना है। ये देख लीजिए ना, कोण बन रहा है यहाँ पर। तो लास्टली वो किस दिशा की ओर जा रहा है? ये इधर नॉर्थ है, तो वो किधर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नीचे दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब जो यहाँ पर जैसे जिस मैट्रिक्स का इसमें यूज़ किया गया है, सो इसमें देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाला है जिसे यहाँ पर दिया गया है, यानी फर्स्ट बॉक्स में है 3, 3, 5 और 3 और मिड में 39। यानी थोड़ा सा पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो थोड़ा सा उसको कंसीडर कर लीजिए कि ये गुना से है, प्लस से है, एडिशन से है, भाग से है। तो इसमें जैसे 3 और 3, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे 3 और 3, यानी ये जो फर्स्ट वाला है, यानी ये वाला बॉक्स, 3 को 3 से गुना किया 9 और 5 और ये दिस इज 6, ये मिसप्रिंट है। तो 6 को 5 से गुना किया, 6 × 5 = 30, तो इनको एडिशन आ गया 39। तो अब ये देख लेते हैं, 7 को 5 से गुना किया, 7 × 5 = 35 और 16, यानी 6, 5, 11 और ये भी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा और ये 25, सो ये हो जाएगा 37। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
अब यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो सत्य मानकर आपको निर्णय करना है। सभी बोतलें जार हैं, तो यानी यहाँ पर कहा गया है कि सभी जो बोतलें हैं वो क्या हैं, जार हैं, ठीक है। कुछ जार बर्तन हैं, अब कुछ जार क्या हैं, बर्तन हैं। देन सभी बर्तन, जो सभी बर्तन हैं वो नल हैं, यानी सभी जो बर्तन रहेंगे वो नल हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कि जो निष्कर्ष हैं, कोई भी नल, यानी जो नल हैं क्या हैं, टंकी नहीं है, ठीक है। कोई भी नल टंकी नहीं है, तो इसमें दिया गया है सभी बोतलें टंकी हैं, क्योंकि बोतलें जो हैं वो नल के अंदर हैं और इनका कोई रिलेशन नहीं है। सभी बर्तन टंकी हैं, तो जितने भी बर्तन हैं वो टंकी हैं, मीन्स टंकी बिल्कुल अलग है, तो इनमें से किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। सो इसमें जो ऑप्शंस रहेगा राइट, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो निकलता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। दो संख्याओं का मस और लस का योग 680 है, ठीक है। तो इसमें जो लघुतम समापवर्त है मस का 84 गुना, यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी थोड़ा सा घुमाकर दिया गया है। अब जो इसमें मस है, क्योंकि मस का योग दिया गया है, अब मस मान लेते हैं x और लस कितना हो जाएगा, 84x, ठीक है ना, इनका एडिशन दिया गया है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, x प्लस 84x इज इक्वल टू 680, तो ये हो जाएगा 85x इज इक्वल टू 680, यानी ये हो जाएगा x 680 बटे 85, ठीक है, ये हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। देन अब इसमें कहा गया है जो लस, क्योंकि लस एक्स की जो वैल्यू है मस की निकली है, तो लस हो, ये तो मस हमने माना था, ठीक है, हम लिख लेते हैं ये मस माना था, तो एलसीएम यानी लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 गुना में 8, क्योंकि इसके साथ भी एक्स जुड़ा हुआ है, सो ये हो जाएगा 672, ठीक है। इसके बाद पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि संख्याएं भी निकालनी हैं, तो पहली संख्या, इसके लिए हमें पहली संख्या हमारे पास 56 है और दूसरी संख्या क्या है, 672 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 56 गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पर ये सेकंड है, इज इक्वल टू 8 गुणा 672, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपॉन 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कट कर लीजिए, 856 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक काम को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यदि 6 लोग 6 दिन में काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की जरूरत होगी। अब पहली जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि 12 दिन में 12 लोग काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 12 दिन और 12 ही पर्सन काम पूरा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, और 6 लोग 6 दिन में काम पूरा करने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो M1 है, यानी मैन, पहले मैन जो हैं वो 12 हैं, थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा उलझा कर दिया गया है। तो दूसरे मैन M2 हो जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे, ताकि इसको सॉल्व करते उलझे ना, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 6 बटे में जो काम करना छोड़ दिया है जिन्होंने W1, तो अगर W2 निकाले हम वर्क, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। तो शेष काम, अब शेष काम निकालते हैं जब हम, तो 1-1/2, यानी ये आधा रहेगा।
तो अब इसको इसमें फॉर्मूला पुट हो जाएगा, यानी ये 12 वाला, तो ये हो जाएगा 12 गुना 12 बटे में 1 बराबर 6 गुना D2 बटे में 1 बटे 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 1 बटे 2 बराबर 6 गुना D2। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। सो D2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज अपॉन 6, तो ये हो जाएंगे 12 डेज आ जाएंगे। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2 पाइप 40 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी पाइप 20 मिनट में क्या कर रही है, से भर रही है, खाली कर रही है, खाली कर सकता है। तो अगर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोले तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो बिल्कुल सिंपल है ये वाला प्रश्न। तो दो तो भर रहे हैं, यानी 1/40 इसमें प्लस हो जाएगा और एक खाली करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/120, यानी इसको 120 मिनट यानी 2 घंटे लगेंगे। एक नाव धारा के अनुदिश 1 घंटे में 8 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो धारा की गति। तो इसमें बिल्कुल फॉर्मूला ही पुट करना है। सो धारा की इसमें जो चाल गति रहेगी वो रहेगी 1/2 अनुप्रवाह चाल माइनस उधर प्रवाह चाल। तो बस बिल्कुल कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 1/2 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 6, ये आ जाएगी 3। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप दिखने बैठे, बस आपने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखा और आपने एकदम से इसको सॉल्व कर दिया। क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मिश्रधन वाले हो गए, आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाले हो गए, तो वो थोड़ा सा समय ले जाते हैं। लेकिन उस तरह के प्रश्न तभी सॉल्व कीजिए अगर आप श्योर हैं उनमें कि हाँ मैं इसे सॉल्व, मुझे आता है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और बिल्कुल लास्टली ही कीजिएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन एक्स मीटर लंबी है। ठीक है, जब भी किसी पुल ट्रेन को पार करती है तो एडिशन हो जाती है ट्रेन की चाल में। ठीक है, तो अब ये हो गया ट्रेन की चाल x/8 इज इक्वल टू x+264, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, upon 20। ठीक है, देन x/8 इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा 4 से भाग करके इसके, एक्स ये +264 और ये 5 हो जाएगा क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाता है शॉर्ट करके। देन ये हो जाएगा 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 2x+5 to 8। सो 3x हो जाएगा 528। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 176 आ जाएगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दो भाइयों की वर्तमान उम्र के मध्य अनुपात 1:2 है, कि अब जैसे दो भाई हैं 1 और 2, इनकी जो रेशो है एक एक है और एक ये रेशो रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का अनुपात 1:3 था। अब पहले था तो अगर 5 वर्ष पूर्व था तो x-5 हो गया। ठीक है, और 2x-5 और अनुपात, यानी ये अपॉन चला जाएगा इसके, यानी ये हो जाएगा 2x-5 इज इक्वल टू 1/3। इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 वर्ष के बाद बताना है, ये भी देखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते, तो ये हो जाएगा
3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, सो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 10। सो अब 5 वर्ष बाद की बतानी है, तो 5 वर्ष बाद मीन्स x प्लस 5 हो जाएगी और ये 2x प्लस 5, तो बस इसको सॉल्व करने कर लेना है, यानी ये हो जाएगी 15 और ये हो जाएगी 25। सो इनका जो रेशियो रहेगा वो 3 और 5 का रहेगा, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, टोटल 45 लीटर है, अब इसमें दूध और पानी 2:1 में है, तो अगर हमें इनके लीटर निकालने हों, मान लीजिए दूध निकालना है, तो दूध कैसे निकालेंगे, 2/3 गुना 45, ठीक है, तो दूध आ गया 30 लीटर। तो इसी तरह पानी, पानी भी ऐसे ही हो जाएगा 1, तो पानी की सीधी से आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, ये भी ज़रूरत नहीं है, तो पानी आ जाएगा आपका 45 माइनस 30, 15 लीटर, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या है, मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाने से दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया। सो अब इसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं इसमें अगर x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो पानी है वो दूध जो है वो 30 है और पानी 15 है, सो ये हो जाएगा 30 यानी 30/15 प्लस x, क्योंकि अनुपात रेशियो हमें पता है 1/2, सो ये हो जाएगा 15 प्लस x इज इक्वल टू 60, यानी 60 में से 15 माइनस करना है, सो 45, तो कितना पानी मिलाया गया, 45 लीटर। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दौड़ में पी 56 मीटर या 7 सेकंड में क्यू को हराता है, तो इस दौड़ में पी का कुल समय कितना था। सो अब जो पी जो दूरी तय करता है वो हमें पता नहीं है, एक्स किलोमीटर, और पी और क्यू द्वारा तय की गई दूरी, यानी 1 किलोमीटर दौड़ में पी 56 मीटर और 7 सेकंड में क्यू को हराता है, तो यानी इसमें क्या है, किलोमीटर यानी इसको सेकंड निकालना है, तो इसको मीटर में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 और 1000 माइनस 56 मीटर, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 1000 और यानी ये माइनस करके आ जाएगा इसमें 944 मीटर, तो जो क्यू है वो 56 मीटर में 7 सेकंड में चलना है, तो क्यू की जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 8 मीटर रहेगी, तो अब जो समय लेगा क्यू कितना लेगा, 944/8 ये लेगा 118 सेकंड, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एम और एन की आय का अनुपात 3:2 और खर्चा जो है 5:3 है, यानी यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करते हैं तो एम की आय कितनी है। तो अब एम की और एन यानी इनकी जो आय जो है वो तो 3 और 2 है, अब खर्चा जो है ये तो आय है और ये खर्च रहेगा 5x और यानी ये y मान लेते हैं क्योंकि x हम मान चुके हैं और 3y, तो अब इसमें क्या है, यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है, तो अब 1000 रुपये की बचत करता है तो यानी यहाँ पर होगा 3x माइनस 5y 1000 और 2x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1000,
इसको सॉल्व करना है। सो इसको अगर सॉल्व करें तो ये x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा, यानी इसमें जो m की जो i है तो 3x हैं। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1000 और y की वैल्यू 2000। सो m की जो i रहेगी, m की i निकालनी है ना, i ये वाला, ये खर्चा है और ये आय है, तो m की जो आय रहेगी वो रहेगी 3x, यानी ये 6000 रुपये हो जाएगी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यानी इसको सॉल्व करके आएगा, जो x की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, सो वो तो रहेगी 2000, और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1000। सो देन राइट आंसर रहेगा, यानी तब इसकी 6000 रहेगी, क्योंकि 1000 रुपये किसने बचत की है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तापस अंकित कीमत पर 20% की छूट पर एक बल्ला खरीदा, वह 80 रुपये के लाभ के साथ उसे 1200 रुपये में बेच दिया, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, अब इसमें तापस का जो क्रय मूल्य रहेगा, तो टोटल 1200 रुपये में उसने बेचा है और 20% की छूट पर, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सीपी हमने निकालना है तो 1200 में से हमें 80 यानी 80 माइनस करना होगा, तो 1120। ठीक है, तो ये सीपी रहेगा इसका। फिर उसके बाद बल्ले का अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य हमें निकालना है, अगर हम x मान लेते हैं तो अब हम अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, x का 80 यानी x मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू, क्योंकि सी पी पी निकलेगा, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1120 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80। सो ये इसको सॉल्व करके जाएगा 1400। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूलधन का पता लगाएं जो 5 वर्ष के वार्षिक 10 साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये के बराबर हो जाता है। अब इसमें जो मूलधन है वो मान लेते हैं हम एक्स है, और ब्याज, क्योंकि ब्याज कहाँ है इन्होंने कि साधारण ब्याज की दर से, तो अगर मूलधन एक्स है तो ब्याज कितना रहेगा? ठीक है, तो ब्याज रहेगा 3000 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ब्याज का फॉर्मूला जो रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3000 माइनस एक्स इज इक्वल टू मूलधन यानी एक्स गुणा दर गुणा समय। ठीक है, सब गिवन है ये, और सो ये सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2000। बस थोड़ा सा ये समझना है कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को जोड़ से 7 गुना, तो संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर भी बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। तो अब इसमें क्या है कि संख्या हमें पता होता है कि 10x + y, और जब उसका प्लेस बदल जाता है यानी तो वो अपोजिट हो जाती है, तो इसमें कहा है कि 7 गुना है अंकों के योग से, तो यानी 7 गुना किसके? अंकों के योग से। ये देख लीजिए, 7x + y और इज इक्वल टू 10x + y, तो पहली स्टेटमेंट तो ये रहेगी। सो दूसरी इसमें क्या रहेगी, दूसरी स्टेटमेंट, तो दूसरी कैसे बनानी है आपको, इसमें अंक भी बदलने हैं, तो ये हो जाएगी 10x + y माइनस 10y + x, ठीक है, इज इक्वल टू 18, 18 कम है, तो ये हो जाएगी 9x - 9y इज इक्वल टू 18, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें जो x माइनस वाई रहेगा, ठीक है ना, ये 2 रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, संख्या रहेगी वो आएगी 10 × 4 + 2 यानी 42 रहेगी। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 27 की पावर दी गई है 81, ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, यानी जो हमें पता है कि जो 27 है वो 3 की पावर है, ठीक है ना, 3 का क्यूब है, तो ये रहेगी 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, बिल्कुल साधारण शब्दों में। देन 81 का भी हमें पता है कि 81 किसका क्यूब होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस माइनस में यानी माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है ना, तो और इक्वल में 3n, तो अब ये हो जाएगा इसकी जो पावर है ये सेम करनी है हमें, सो ये हो जाएगी और ये इससे क्रॉस हो जाएगा, यानी ये इसकी पावर और ये 3 की 2 रह जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 3n। सो यहाँ पर ये n रह जाएगा, यानी क्योंकि सेम पावर है, सो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 3n, यानी n इज इक्वल टू यानी नथिंग, सो ये हो जाएगा 0। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट विद टू ऑफ और फार। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। सो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।